नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल, कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब का विवाद एमपी तक आ गया है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि यह स्कूल का ही ड्रेस कोड लागू होगा। जाहिर है हिजाब यूनिफॉर्म कोड में नहीं है, लिहाजा इसे लेकर पूर्व के नियम ही लागू होंगे। स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों में जो ड्रेस कोड से इतर कुछ भी मंजूर नहीं, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर एक्शन होगा। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि यह गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों वाला देश है और अगर प्रतिबंध लगा तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और विद्यालय की एक अलग पहचान बने, इस पर स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से ही हम इस प्रकार से गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेषित करेंगे ताकि समय पर विद्यार्थी अपने गणवेश तैयार करा लें। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का हिजाब को लेकर बयान है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? ये अफसोसनाक बयान है। बच्चियां कवर्ड अच्छी लगती हैं, जैसे मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूँ लेकिन ऐसे चाहता हूँ कि उसका जिस्म बाहर ना दिखे। तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब, तो हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं हुआ बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा, जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है आज। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार, जो गांव देहात तो छोड़िए शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है। चलो उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाएं, फिर बात। अगर लागू किया जाता है तो आप? विरोध करूंगा, हर तरह से विरोध करूंगा। किसी हाल में मध्य प्रदेश में इस तरह की चीजों को नहीं चलने दिया जाएगा। ठीक। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।